सो है गाइस दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बाय द वे मैं हूं नीतीश, आप देख रहे हैं एनपी टेक यूट्यूब चैनल। मुझे पता है काफी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहा है, बट काफी टाइम के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले जीजो का वॉच दी। भाई काफी अच्छा वॉच है, मुझे मिल गया 2000 रुपये में, आपको भी मिल सकता है। तो बिना रुके इस वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि इसका फुल डीपली रिव्यू आप लोगों को पता चले, क्योंकि अभी के टाइम में 2000 रुपये में काफी सारे वॉच मार्केट में है। सो आपको कौन सा बाय करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सारे कुछ हम बताएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलिए डीजे वॉच डी को फुल रिव्यू करते हैं और अनबॉक्सिंग भी करेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का बॉक्स, यहाँ पर व्हाइट कलर का बॉक्स है एंड डीजो वॉच डी लिखा हुआ है, रियलमी टेक लाइफ भी लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं एंड यहाँ पर भी रियलमी टेक लाइफ लिखा हुआ है। ऊपर कुछ नहीं, इस साइड में हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन डिटेल्स वगैरह दिया गया है एंड देख सकते हैं सारे कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं एंड बॉक्स को जैसे हम लोग ओपन कर देते हैं, ओपन करने के बाद हमें तीन चीज़ देखने को मिलता है। पहला तो है एक केबल जो कि कुछ इस तरीके का है, इसे चार्जिंग केबल है और मैग्नेटिक भी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इसका जो क्वालिटी है ना, मुझे एक नॉर्मल से एवरेज क्वालिटी लगा। और उसी के साथ साथ डीजो वॉच डी का एक यूज़र मैनुअल भी है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं, सब कुछ फीचर वगैरह कुछ मेंशन किया गया है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं साइड में रख देता हूँ। एंड चलिए हमारा जो वॉच है उसको निकाल लेते। सो चलो रैपर से निकालते हैं, कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। हमने वाइट कलर ऑर्डर किया है, आप और भी कलर है लेकिन मैंने वाइट कलर किया है और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन भी है। चलिए इसे खोल लेते हैं एंड खोलने के बाद कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिल जाता है। इसका जो स्ट्रैप है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, यहाँ पर डीजो का लोगो है एंड इसको आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब खोल के और एक लगा सकते हैं आप लोग चाहे तो। मुझे एक अच्छा फीचर भी लगा कि आप लोग खुद से इसे खोल सकते हैं, नहीं तो शॉप में जाके खोलना पड़ता है। बहुत सारे वॉच में ऐसा फीचर नहीं मिलता है इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि इस प्राइस में काफ़ी अच्छा है। एंड स्ट्रैप का जो क्वालिटी है ना, मुझे बोलूँगा रबर का है एंड क्वालिटी बोलूँगा ठीक ठाक है, एवरेज है क्योंकि प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर देख सकते कुछ इस चीज़ का लोग देखने को मिल जाता है, डीजो का लोगो, यहाँ पर देख सकते कुछ सेंसर है एंड यहाँ पर चार्जिंग जो मैग्नेट है यहाँ पर लगाना पड़ता है। सो मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है बट कभी कभार इधर उधर करेंगे तो खोल भी जाएगा और देख सकते कुछ इस तरीके से होता है। चलिए हम इसे चार्ज करके दिखा दें। सो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सोचो कि इधर उधर हो जाएगा तो चार्ज कैसे होगा, बट नहीं, आप इस तरीके से ही मैग्नेटिक लगाना पड़ता है और खुद ब खुद मैग्नेट की तरह से लग जाता है। और इसका जो बैटरी लाइफ है मुझे अच्छा लगा, कम से कम एक हफ्ता चलता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ करता हूँ इसलिए कम चलता है। कंपनी ने दावा किया था 2 साल चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा बट नहीं। एंड चलिए इसे ऑन कर लेते। ऑन करने के लिए यहाँ पर पावर बटन को प्रेस करिए एंड आपका जो लैंग्वेज है चूज़ करिए। आप इसको जो डीजो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा है एंड स्कैन कर लीजिए। सो स्कैन कैसे करते हैं देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से स्कैन करना पड़ता है। फिर स्कैन करने के बाद आपका जो यहाँ पर रिबूट ऑप्शन पे प्रेस करिए, आपका जो वॉच है उस परमिशन दे दीजिए पेयर करने के एंड देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। डीजो एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं बाद में बताऊंगा, पहले दिखा देता हूँ उसके अंदर क्या क्या फीचर है। सो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, आप लोग बैटरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। वॉच के अंदर बहुत सारे सेटिंग है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं एंड अबाउट रिसेट पावर ऑफ बटन फिटनेस क्यू आर कोड से इसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और QR कोड से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी देख सकते हैं 62% चार्ज है। यहाँ पर लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, 2 बार सेट कर सकते हैं, भाई बच्चों यहाँ पर सेट कर सकते हैं आप लोग। सॉफ्ट मैंने स्ट्रॉन्ग रखा है, आप भी रख सकते हैं एंड यहाँ पर मेनू स्टाइल रख सकते हैं, मेनू स्टाइल में 9 ग्रिड कर देता हूँ तो ऐसा लुक देखने को मिल जाएगा हमें। आप लोग चेंज करिएगा क्योंकि जो डिफॉल्ट रहता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट ऐप और वॉच फेसेस भी आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से, ऐप से भी कर सकते हैं, बट ऐसे आप लोग 5 ही लगा सकते हैं, यहाँ पर 5 ही ऑप्शन है, आप एप्लीकेशन के अंदर से कर सकते हैं। उस पर मैं बाद में बात करते, पहले ये कुछ स्पेसिफिकेशन दिखा देते फ्यूचर वगैरह। सो यहाँ पर आप लोग ऊपर से देखेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नीचे से देखेंगे तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह है वो देख सकते हैं यहाँ पर। सो देखो एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी है, स्टॉपवॉच, टाइमर, म्यूजिक, वेदर, अलार्म क्लॉक, वर्कआउट रिकॉर्ड, अभी तक रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि अभी ऑन किया था एंड वर्कआउट आप कर सकते हैं, सब
भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर वर्कआउट में दिखा देता हूँ, बहुत सारे कुछ है एंड देख सकते हैं, आउटडोर रन, माउंटिंग, बास्केटबॉल, योगा, फुटबॉल, राउंडिंग मशीन एंड सब कुछ कर सकते हैं। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि आप स्विमिंग भी कर सकते इसको पहन के, और वाटर प्रूफ भी है। सो आप लोग 50 मीटर के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं डीप के अंदर। एंड आप देख सकते हैं नीचे कुछ इस टाइप का सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि ब्लिंक होता है। एंड आपको पहनने के बाद ही आपका जो हार्ट रेट, SPO2 जो सेंसर है वो यूज़ कर सकते हैं, बाकी काफ़ी यूज़फुल भी है। एंड यहाँ पर आपका जो फ़ोन के साथ अगर कनेक्ट होगा तो वेदर भी दिखा देगा। सो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फ्यूचर भी है, उसके बारे में बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। आप लोग को कुछ ही कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ, जैसे कि फाइंड माय डिवाइस, आपका फ़ोन में कुछ इस तरीके का साउंड आएगा जब भी आप इसे ऑन करेंगे। इससे एक फ़ायदा है कि आपका जो फ़ोन है अगर मतलब कहीं पर रखे खोज मतलब ढूंढ नहीं पा रहे हो तो इसे इस म्यूजिक को प्ले करके आप ढूंढ सकते हो स्मार्टफोन को कहाँ पर अपना फ़ोन है। हाँ, और एक चीज़, अगर आपका स्मार्टफोन कनेक्ट होगा तभी कर सकते। और आप डिस्प्ले की बात करें तो 1.8 इंच का एक अच्छा खासा कर्व डिस्प्ले, मुझे कर्व देख बहुत अच्छा लगा, और प्रीमियम क्वालिटी का डिस्प्ले गाइस। ऐप जो 550 nits का ब्राइटनेस है, आउटडोर पे मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है बट बहुत अच्छे ब्राइटनेस है। मैं कैमरा में शायद दिखा भी नहीं पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है। ऐप ब्राइटनेस एक्चुअली फुल भी है एंड काफ़ी अच्छी तरीके से आप आउटडोर पे एकदम करेक्ट से धूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं एकदम आराम से। और हाँ, डिस्प्ले में अगर फुल ब्राइटनेस करोगे थोड़ा सा चार्ज भी खटता है। गाइस, कैसे आप लोग फोन के साथ अपना जो वॉच है उसे कनेक्ट कर सकते हैं मैं पहले बता ही देता हूँ। सो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा प्ले स्टोर को ओपन, तो मैं यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। डीजो बोल के एक एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर लीजिए, मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है ओपन कर लीजिए, जल्दी से ओपन कर लो एंड साइड बाई साइड कर लो, ज्वाइन कर लो। यहाँ पर सिंग इन करने के लिए नेट ऑन करना पड़ता है एंड यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है OTP आएगा उसे डाल दीजिए, पासवर्ड भी है उसको डाल दीजिए एंड उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जेंडर चूज करिए, आपका आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसको चूज कर लीजिए, मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। एंड चूज करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पे प्रेस करता हूँ, हाइट को चूज कर लीजिए आपका जो भी हाइट है उसके अपन चूज करके नेक्स्ट करिए, वेट को चूज करिए एंड वेट को चूज करने के बाद नेक्स्ट ऑन लेफ्ट इसको चूज करिए, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे पहना हूँ इसलिए। एंड आपका जो मॉडल है DJ OSD उसको चूज कर लीजिए, अलाउ कर दीजिए एंड अलाउ होने के बाद आपका जो एड डिवाइस होगा एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका कंफर्मेशन होगा, आपके वॉच पे आएगा एंड स्टार एक्सपीरियंस बोल के अलाउ जो भी है सब कुछ अलाउ कर देना ताकि जल्दी से कनेक्ट हो जाए। आपको जो एप्लीकेशन का इंटरफेस देख सकते हैं, आप डायल सेंटर भी चूज कर सकते हैं, डायल सेंटर में आपको वॉलपेपर जो थीम है उसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सचेंज भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर साइन इन डायल पर क्लिक करिए एंड मैं दिखा देता हूँ आपका जो वॉच है उसके अंदर क्या आएगा। तो वॉच के ऊपर यहाँ पर लोडिंग होगा, तो यहाँ पर 100% होने के बाद देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। हाँ गाइस, कंफर्म देख सकते हैं कैसा लग रहा है, आपका जो वॉच है वॉल पर चेंज करो और बगल बगल सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, स्लिप कितने घंटे घुमाया मतलब सब कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हार्ट रेट, CO2, आपका जो GPS लोकेशन है वो भी यहाँ पर दिखा देगा। तो थम्स अप है, यहाँ पर 62% मेरे चार्ज है। डायल सेंटर चेक कर सकते, कैमरा का मोड मुझे अच्छा लगता है, आपका जो वॉच है वो रिमोट कंट्रोल हो जाएगा, मतलब आपके वॉच से आप लोग कैमरा को यूज कर सकते हैं फोटोज के लिए, यहाँ पर फोटोज वगैरह ले सकते हैं। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन क्या क्या आया सब कुछ। एंड यहाँ पर कॉल रिमाइंडर, रिमाइंडिंग सेटिंग, हार्ट रेट सेटिंग, फाइंड डिवाइस बोल के एक ऑप्शन है वो भी काफी अच्छा है। एंड यहाँ पर मोड मोड सब कुछ है, जो का जो बैटरी वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हैं, अगर आप लोग लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट करो, नहीं तो लॉग आउट कभी भी नहीं करना। सो गाइस, इस वॉच का जो बाइलिंग है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी देख रखा है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इसे चेक करने वाले हैं तो जाके चेक करो अगर बाय करना है तो ही। मैं तो सजेस्ट करूंगा इस प्राइस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है तो बाय भी कर सकते हैं आप लोग। अब आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसे बाय करेंगे या फिर नहीं, बट फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो गाइस बाय बाय।